नमस्कार शिक्षार्थियों, NIUS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आद्य शक्ति राय आज आपसे गणितीय अधिगम के आकलन परियोजना विधि पर आपसे चर्चा करूंगी, जिसके चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे गणितीय अधिगम के आकलन के विविध आयाम, परियोजना विधि से गणितीय अधिगम के आकलन का आशय, परियोजना के विषय वस्तु के चयन हेतु मानदंड, परियोजना का आकलन में रूब्रिक्स की भूमिका, परियोजना विधि से गणितीय अधिगम के आकलन के गुण एवं दोष। गणित शिक्षण अधिगम की व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संरचनावादी दृष्टिकोण में स्थानांतरण के साथ ही परंपरागत आकलन पद्धति के स्थान पर नई तथा सार्थक आकलन पद्धति अपनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, ताकि गणितीय अधिगम का समग्र आकलन हो सके तथा विद्यार्थी भयमुक्त होकर आकलन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। आकलन की प्रचलित परंपरागत शिक्षा प्रणाली में आकलन की प्रक्रिया बहुत हद तक योगात्मक आकलन पर निर्भर है। पारंपरिक आकलन मुख्यतः विद्यार्थियों को तथ्यों, सूत्रों एवं नियमों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसे समस्या समाधान, विवेचनात्मक सोच, तर्क इत्यादि। वर्तमान में आकलन को शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन से प्रतिस्थापित करके साध्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न मौलिक क्षमताओं के विकास का अवसर मिले तथा छात्र की उपलब्धियों तथा गतिविधियों का समुचित एवं समग्र आकलन हो सके। इस प्रकार का रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी चलता रहता है, अतः इससे अधिगम को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस कारण से सीखने की प्रक्रिया और सीखने के तरीकों दोनों का आकलन करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन के तरीकों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान और अधिगम अनुभव के समग्र मूल्यांकन की एक विधि परियोजना विधि है। NCERT 2001 ने यह निर्णय किया कि गणितीय अधिगम में क्या आकलित किया जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा कि इसमें गणितीय संवाद, गणित की ओर रुझान, अवधारणा एवं प्रक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय ज्ञान का समस्या समाधान में प्रयोग इत्यादि तथ्यों का आकलन किया जाना चाहिए। गणितीय अधिगम के आकलन की परियोजना विधि उपरोक्त वर्णित सभी आयामों को सम्मिलित करती है। परियोजना विधि में विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी समस्या की अनुभूत करते हैं और समस्या समाधान की योजना तैयार करते हैं और उसके क्रियान्वयन हेतु सूचनाओं को एकत्र करते हैं। शिक्षक केवल निर्देशक या सुगमकर्ता के दायित्व का निर्वहन करता है एवं विद्यार्थी स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम आकलन विद्यार्थी एवं अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थी के सामने कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं से कुछ करने के लिए चुनौती होती है। यह व्यक्तिगत या समूह क्रियाकलाप है जो कि एक निश्चित समय अवधि तक चलती है और जिसका परिणाम उत्पादकता के रूप में होने के साथ ही समृद्ध क्रियाकलाप, सक्रिय सहभागिता तथा अन्य विषयों के साथ गणित के सहसंबंधों की समझ का आकलन होता है। गणित की समझ को आंकने हेतु परियोजना कार्य एक अच्छे उपकरण की तरह प्रयुक्त किया सकता है। इसमें विद्यार्थी को एकल तथा समूह दोनों में कार्य को पूरा करने हेतु कहा जा सकता है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। विद्यार्थी को दो दो के जोड़े में समीप के किसी विद्यालय में जाकर वहाँ के किसी एक कक्षा के बच्चों की ऊंचाई की माप लेने के साथ ही उनका वजन अंकित करके निम्न सारणी में उसका अभिलेख तैयार करने एवं निष्कर्ष निकालने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों से निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। कितने विद्यार्थियों का वजन आदर्श वजन के लगभग है, कितने बच्चे आदर्श वजन से कम हैं, कितने बच्चे आदर्श वजन से अधिक हैं, चिकित्सक से पूछकर विभिन्न ऊंचाई के लिए आदर्श वजन अंकित करें तथा चर्चा करें कि हम यह कार्य क्यों करें, इस कार्य से क्या लाभ होगा, इससे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्या इस समूह में विशेष शिक्षक, पुरुष, महिला, बच्चे, लड़के, लड़कियां इत्यादि को भी शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात नमूना या प्रतिदर्श कितना बड़ा लिया जाए, इसका अभिलेख तैयार करना, इसका उपयोग बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कहाँ तक किया जा सकता है।
गणितीय अधिगम के आकलन के लिए कुछ परियोजनाएं। गणितीय अधिगम के लिए उपयुक्त कुछ परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसे विद्यालयी बैंक का निष्पादन, विद्यालय में स्थित भंडार चलाना, वार्षिक शिविर के लिए योजना बनाना एवं अनुमानित व्यय का आकलन करना, गणित क्लब की गतिविधियों को क्रियान्वित करना, जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर आदि के बारे में आंकड़ों का संग्रहण करना। इसका एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर भी परियोजना का निर्माण किया जा सकता है और इस परियोजना में निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं, इस उत्सव का विद्यालयी कार्यक्रम, विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय बजट तैयार करना, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की तैयारी और संगठन, विभिन्न कार्यक्रमों का निष्पादन, कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार करना, पूरे उत्सव का मूल्यांकन। परियोजना कार्य के आकलन हेतु ध्यान रखने योग्य कुछ तथ्य। क्या परियोजना का शैक्षिक मूल्य है? क्या परियोजना का चुनाव मौलिक है? क्या परियोजना वास्तविक जीवन से संबंधित है? क्या परियोजना विद्यार्थी के परिवेश से जुड़ी है? क्या परियोजना तथ्यों पर आधारित है? क्या परियोजना का प्रस्तुतिकरण सौंदर्यपूर्ण है? क्या परियोजना अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायक है? क्या परियोजना को पूर्ण करने हेतु कोई योजना बनाई गई है? क्या परिणामों की व्याख्या सही रूप से की गई है? क्या परियोजना को पूरा करने के लिए समय प्रबंधन का ख्याल रखा गया है? क्या परियोजना सहभागिता पर आधारित है? क्या परियोजना के क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं? परियोजना के आकलन में रूब्रिक्स का क्या रोल हो सकता है, इसको हम देखेंगे। अब परियोजना के अंतर्गत कई प्रदर्शनों और क्षमताओं को आसानी से मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया सकता है। अंतिम उत्पाद और परियोजना के कार्यों के विभिन्न घटकों के लिए रूब्रिक एक सटीक, विशिष्ट और उपयोगी आकलन सुनिश्चित कर सकता है। एक रूब्रिक एक प्रामाणिक आकलन उपकरण है जो एक परियोजना के आकलन हेतु स्पष्ट अपेक्षाएं प्रदान करता है, उत्पादन के साथ साथ संपूर्ण परियोजना निर्माण प्रक्रिया का भी आकलन करता है, उन प्रदर्शनों की गणना करता है जिन पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना है, परियोजना को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या क्या शामिल करना है उसका वर्णन करता है, विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करता है कि उन्हें श्रेष्ठता के लिए क्या करना है, मूल्यांकन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह दूर करने में सहायता करता है। गणित परियोजना पर एक रूब्रिक कैसे हम इसको लिखेंगे, पहले एक कॉलम में हमने उसकी कसौटी लिया है और उसको 4-point स्केल पे इसको हम लोगों ने देखेंगे कि हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे जमा करने की समय सीमा, समय पर जमा किया है, 1 दिन देर से किया है, 2 दिन देर से किया है, 3 या अधिक दिन थे, समापन, परियोजना के सभी हिस्से बहुत ही सुव्यवस्थित और सही तरीके से पूरे किए गए हैं, परियोजना के सभी हिस्सों को पूरा किया गया है, परियोजना के कुछ हिस्सों को पूरा गया है, परियोजना के कुछ भागों में से सिर्फ कुछ को ही पूरा किया गया है, उसकी सटीकता को हम 4-point स्केल पे लिखेंगे, प्रत्येक चरण का पालन किया गया है और सभी सही हैं, 1 चरण गलत है, कुछ चरणों में त्रुटि है, पूरी परियोजना गलत है, व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या कि कैसे हल किया गया है और यही विधि क्यों चुनी गई है, कैसे हल किया गया है कि व्याख्या स्पष्ट है परंतु विधि क्यों चुनी गई है स्पष्ट नहीं है, कार्यों के कुछ ही पदों की व्याख्या या कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं। फिर परियोजना के विविध चरणों को हम 4-point स्केल पे देखेंगे, कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के समस्त चरणों को पूरा किया गया है, कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के अधिकांश चरणों को पूरा किया गया है, कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के कुछ चरणों को पूरा किया गया है, कार्य के समुचित प्रदर्शन के साथ समस्या के किसी भी चरण को पूरा नहीं किया गया है, संगठन, शिक्षार्थी में तार्किक और अनुक्रमित तरीके से कार्य पूरा किया और प्रत्येक चरण स्पष्ट है, विद्यार्थी ने काम पूरा किया परंतु प्रायोगिक चरण स्पष्ट नहीं है, शिक्षार्थी का काम अधूरा है लेकिन कुछ चरण तार्किक है, शिक्षार्थी का काम अधूरा है और कोई भी चरण तार्किक नहीं है, आरेख, शिक्षार्थी ने समाधान हल करने के लिए या समाधान दिखाने के लिए एक सटीक आरेख, ग्राफ या चार्ट बनाया है, शिक्षार्थी ने चित्र, आलेख या
चार्ट प्रदर्शित किया जिसमें मामूली त्रुटियां हैं। शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित आरेख, आलेख या चार्ट में कई त्रुटियां हैं। शिक्षार्थी ने कोई आरेख, ग्राफ या चार्ट नहीं बनाया है। शब्दावलियों और रणनीतियों के ज्ञान, गणितीय भाषा और रणनीतियों का गहन ज्ञान प्रदर्शित है उसमें। गणितीय भाषा और रणनीतियों के व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन है। गणितीय ज्ञान और रणनीतियों का कुछ ज्ञान प्रदर्शित है। गणितीय भाषा और रणनीतियों का अत्यंत सीमित ज्ञान प्रदर्शित है। उसके बाद हम उसका कुल स्कोर निकालते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं। परियोजना विधि के आकलन के गुण क्या हैं? यह विद्यार्थी को मौलिक चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर देता है। विद्यार्थियों के नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित करके दिया जाता है, इसलिए अधिक उपयोगी है तथा विद्यार्थी रुचि भी लेते हैं। विद्यार्थियों में सूझ की क्षमताओं का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है। विद्यालय के सभी विषयों को समन्वित रूप से आकलन का अवसर प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन विकसित करती है। यह बच्चे में खोजी प्रवृत्ति को विकसित करती है। यह आत्म प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि छात्र स्वयं योजना का चयन करते हैं और परियोजना को अंजाम देते हैं। छात्र में ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। परियोजना विधि से आकलन के दोष, इसमें समय अधिक लगता है, ज्ञान अनुक्रमित और व्यवस्थित तरीके से हासिल नहीं हो पाता है। इस पद्धति के उपयोग से आकलन करने पर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना कठिन होता है। धन्यवाद।